खबर का रुख करेंगे जो बिजनौर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सामाजिक न्याय यात्रा समापन कार्यक्रम आज होने वाला है, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सपा के से, जहां पर आज सामाजिक न्याय यात्रा का समापन कार्यक्रम बिजनौर में आयोजित होने वाला है, जहां पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे खालसा इंटर कॉलेज में अखिलेश यादव पहुंचेंगे। नूरपुर के खालसा इंटर कॉलेज में अखिलेश यादव की जनसभा होने वाली है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बिजनौर से बता रहे हैं, जहां पर सामाजिक न्याय यात्रा समापन कार्यक्रम आज आयोजित होने वाला है। वहीं इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे लखनऊ संवाददाता संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से सामाजिक न्याय यात्रा, जिस तरह सपा का एक एजेंडा इस वक्त सामने आ रहा है, जिसका आज समापन होने वाला है, अखिलेश यादव इसके लिए बिजनौर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, बताऊं आपको कि 2024 की लोकसभा चुनाव को लेकर के पूर्वांचल नापने का प्रयास सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए समाजवादी पार्टी कर रही थी, और वो यात्रा लगातार चल रही है। उसके बाद दूसरी जो है संविधान बचाओ यात्रा, साइकिल यात्रा है, वो भी अलग से चल रही है, लेकिन सामाजिक न्याय यात्रा का आज समापन है। तो ऐसे में दोपहर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सीधे तौर पर बिजनौर पहुँचेंगे, और वहाँ पर खालसा इंटर कॉलेज जहाँ पर कार्यक्रम है, और खास करके विशेष वर्ग के लोग भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये यात्रा जिस तरीके से पिछले काफी दिनों से चल रही थी, उस यात्रा का आज समापन करेंगे। तो 24 की तैयारियों को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी ही नहीं, प्रदेश के अन्य प्रदेशों पर भी लगातार कहीं ना कहीं अपने जनाधार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज बिजनौर में इस बड़ी जनसभा के रूप में सामाजिक न्याय यात्रा का समापन किया जाएगा, और कल कानपुर के मातृ मुख्यालय में भी उनकी एक बड़ी रैली, संविधान बचाओ बड़ी रैली का आगाज किया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सके कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अब लगातार यूपी को मथने की तैयारी में है, और यही वजह है कि उनकी यात्राएं और उनके जो दौरे हैं वो लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे।